पीएम मोदी आज चुनावी राज्यों के दौरे पर, असम और बंगाल को कई सौगात, पीएम देश को सौंपेंगे बंगाल में बना एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल। 20 जिलों के निकाय अध्यक्षों का मतदान अब संपन्न हो चुका है। 3 निकाय में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। 87 निकाय में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। दिल्ली के ओखला में फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लगी, चपेट में 100 से भी ज्यादा झोंपड़ियां आई। आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी, रात 2:30 बजे से आग लगी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा दौरे पर, शाह देंगे गोवा को बड़ी सौगात, सिंधुदुर्ग में मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त किसान मोर्चा ने संगठन से 2 किसान नेताओं को सस्पेंड किया, ट्रैक्टर परेड में तय रूट से अलग जाने पर कार्रवाई की गई। किसान नेता हरपाल सांगा और सुरजीत पुल सस्पेंड किए गए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, सीएम योगी ने की रामलला की पूजा अर्चना, विकास कार्यों की समीक्षा करने आए हैं राम की नगरी में। रिहाना ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट और भारत विरोधी साजिश रचने के आरोप पर पीजीएफ ने जारी किया है बयान, कहा उसने ना तो रिहाना और ग्रेटा को भारत के खिलाफ ट्वीट करने के लिए पैसे दिए हैं और ना ही कोई टूल किट बनाया है। इजराइल दूतावास ब्लास्ट मामले में अब एनआईए की मदद करेगी खुफिया एजेंसी मोसाद। हालांकि दिल्ली में 29 जनवरी की शाम इजराइल दूतावास के बाहर हुए आईडी विस्फोट में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए अब शुरू होगा टॉक टू थरूर कार्यक्रम। अप्रैल में हो सकते हैं चुनाव। बता दें कि पार्टी ने घोषणा पत्र तैयार करने का जिम्मा सांसद शशि थरूर को सौंपा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने फिर किया ट्वीट, कहा भारत में मेरी फोटो जलाई जा रही है, वहां रहती तो क्या करते। बता दें कि इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में पहली बार शामिल हुई महिला कमांडो, नक्सलियों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। बता दें कि सीआरपीएफ एशिया का पहला ऐसा केंद्रीय पुलिस बल है जिसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब ऐसा पहली बार हुआ है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद लोगों का सैन्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन जारी, चुने हुए राजनेताओं के हाथों में फिर से सत्ता सौंपने की मांग। बता दें कि सोमवार को म्यांमार सेना द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी को नेता आंग सान सू और म्यांमार के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलेगी कोई खुफिया जानकारी, अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार। अमेरिकी कर्टसी के तहत निवर्तमान राष्ट्रपति की खुफिया जानकारी मिलती है, लेकिन इस बार बाइडेन के कहने पर ऐसा नहीं होगा। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र स्पीकर के चुनाव को लेकर बड़ी शिवसेना की टेंशन बढ़ चुकी है। पटोले ने गुरुवार को इस्तीफा दिया था, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अब वे महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इन दिनों सूबे के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगातार हमला बोल रहे हैं। मांझी ने ट्वीट कर लिखा, सीएम नीतीश का विरोध करते करते बिहार और बिहारियों के विरोध पर उतारू हो गया है विपक्ष। आरजेडी ने तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने को गलत बताया तो भड़के सुशील मोदी और कहा आरजेडी भारत रत्न पर राजनीति करने से बचे। बता दें कि आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने को गलत बताया था। कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे आगे भारत दिखा, 21 दिन में 50 लाख लोगों को टीकाकरण हुआ। केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के मुताबिक दुनिया में सबसे आगे भारत है। राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, बोले राहुल सरकार से किसानों को नहीं कोई उम्मीद। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर गिरने से बांध टूटा, अन्नदाता का अपने हक के लिए संघर्ष जारी, चक्का जाम के बाद किसानों की महापंचायत। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति, मुख्यमंत्री गहलोत ने नेताओं के साथ बैठक ली। जय श्री राम सुनकर आपा क्यों खोती है ममता, नड्डा बोले। ऐतिहासिक ऊंचाई पर पेट्रोल के दाम, शनिवार को मुंबई में पेट्रोल का रेट 93.94 रुपए दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा के किसान बोले देओल परिवार को नहीं करने देंगे शूटिंग। लंबे समय से जारी आंदोलन पर अब बॉलीवुड पर भारी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत बोले कृषि कानून रद्द करने के लिए सरकार के पास 2 अक्टूबर तक का समय है, इसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि सिर्फ 3 कानूनों की वापसी के बाद ही हम अपने घर वापस जाएंगे।